नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर है। सेना की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करीब 100 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। धमाकों के बाद सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जबलपुर संवाददाता कार्तिक अग्निहोत्री से। जी कार्तिक जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी ने शाम 6 बजे के लगभग जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस खमरिया फैक्ट्री है वहां पर बड़ा हादसा हुआ था और तकरीबन 200 से ज्यादा बमों में सिलसिलेवार ब्लास्ट हुआ। इन सीरियल ब्लास्ट के बाद आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जिला प्रशासन नगर निगम की गाड़ियों के द्वारा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आधिकारिक तौर पर अब पुष्टि भी कर दी गई है कि इस पूरे हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। एक बड़ी राहत भरी है खबर कही जा सकती है जबलपुर के लोगों के लिए। बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले भी जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए हैं, बावजूद इसके सुरक्षा के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या धमाकों के पीछे देश के दुश्मनों का हाथ है? निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा ये बेहद गंभीर मामला है। इस खबर पर इंडिया फर्स्ट की पड़ताल लगातार जारी रहेगी। ताजा अपडेट के लिए लॉग इन करें इंडिया फर्स्ट .online पे। नमस्कार। We'll be right back.